हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल को तीसरा समन भी भेज दिया गया, लेकिन वो इस बार भी पेश नहीं हुए। अगर बात झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की करें तो उन्हें भी ईडी के द्वारा 7 बार समन भेजा गया था, लेकिन फिर भी वो पेश नहीं हुए। इसी बीच एक सवाल जो सभी के मन में उठा वो ये कि आखिर ईडी के कितने समन को मना किया जा सकता है, यानी कितनी बार आप ईडी पे पास अगर पेश नहीं होंगे तो आपको सजा नहीं मिलेगी। आज हम आपको इसी बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में, मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगातार तीसरी बार प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के समन को नजरअंदाज कर दिया है। उसको लेकर देश भर में सियासत शुरू हो चुकी है। ईडी ने केजरीवाल को समन भेजकर बुधवार को कथित दिल्ली शराब घोटाले में जांच के लिए पेश होने को कहा था। इस मामले में गुरुवार को अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं, भाजपा का मकसद जांच पूछताछ करना नहीं, मुझे लोकसभा चुनावों में प्रचार प्रसार करने से रोकना है। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, इसके तहत केजरीवाल को लोकसभा में चुनाव प्रचार करने से रोकने की कोशिश की जा रही है। वहीं भाजपा ने पलटवार किया है कि केजरीवाल जांच से भाग रहे हैं। बता दें कि ईडी दिल्ली शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन भेजकर 2 जनवरी को जांच में शामिल होने के लिए कहा था, हालांकि अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए। ये तीसरी बार है जब केजरीवाल ने ईडी के समन पर जांच में शामिल नहीं हुए। केजरीवाल को ईडी ने पहला समन पिछले साल अक्टूबर में जारी किया था, जिसमें उन्हें 2 नवंबर 2023 को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया था। वहीं दूसरा समन 18 दिसंबर 2023 को हुआ था, जिसमें उन्हें 21 दिसंबर 2023 को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया था। तीसरे समन में उन्हें बुधवार को यानी 2 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल तीनों ही समनों में पेश नहीं हुए। बता दें कि ईडी के समन को नज़रअंदाज करने से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी को एक जवाबी खत भी लिखा था। इस पत्र में केजरीवाल ने कहा था कि समन का नोटिस अवैध और राजनीतिक से प्रेरित है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने जांच एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होने के कारणों के रूप में राज्यसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस समारोह का भी हवाला दिया है। ईडी के सामने केजरीवाल के पेश नहीं होने के कारण लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे हैं कि एजेंसी अब क्या करेगी और ईडी के समन को कितनी बार मना किया जा सकता है। दरअसल धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी PMLA की धारा 50 ईडी को किसी भी व्यक्ति को समन जारी करने की शक्ति देती है। PMLA की धारा 50 के तहत किसी भी व्यक्ति को समन जारी करने और दस्तावेजों के प्रस्तुत करने और बयान दर्ज करने की आवश्यकता होती है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में अगली कार्रवाई के लिए ईडी के पास कई विकल्प है। एजेंसी चाहे तो केजरीवाल को जल्द एक नया समन जारी कर पूछताछ के लिए बुला सकती है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब लोगों ने अलग अलग कारणों से ईडी के सामने समन को नजरअंदाज कर दिया है। इनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी, कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार जैसे कई विपक्षी नेता और बड़े चेहरे शामिल है। सोरेन को रांची जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी 7 बार समन भेज चुकी है, लेकिन वो 1 बार भी उपस्थित नहीं हुए। इसके बजाय सीएम सोरेन ने समन के खिलाफ उच्चतम न्यायालय और झारखंड उच्च न्यायालय का रुख किया, लेकिन फैसला उनके खिलाफ आया। अरविंद केजरीवाल के मामले में ईडी के सामने दूसरा विकल्प अदालत का भी है। जैसा कि केजरीवाल ने ईडी के समन को ही गैरकानूनी करार दिया है, तो एजेंसी संबंधित अदालत का रुख करके उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है। दरअसल धन शोधन निवारण अधिनियम कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति ईडी के 3 ही समनों को यानी सिर्फ 3 समनों को ही नज़रअंदाज कर सकता है और उसके बाद जांच एजेंसी गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है। उस स्थिति में केजरीवाल को अदालत के समक्ष उपस्थित होना ही होगा। यदि केजरीवाल गैर जमानती वारंट की अवहेलना करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और अदालत में पेश किया जा सकता है। इस बीच ईडी के पास ये भी अधिकार है कि वो केजरीवाल के आवास पर
छापेमारी कर सकती है। अगर उनके खिलाफ आपत्तिजनक सबूत पाए जाते हैं तो उन्हें उस तौर पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी सीधी सी बात यह है कि अब प्रवर्तन निदेशालय सीएम अरविंद केजरीवाल को गैर जमानती वारंट के जरिए गिरफ्तार भी कर सकता है या उन्हें और भी समन भेज कर पेश होने के लिए कह सकता है। खैर, आपको ये समस्त जानकारी और ईडी की नियमावली के बारे में आज जानकर कैसा लगा, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।